32 रन 4 विकेट, फिर चली सचिन दास और उदय सहारन की आंधी। नौवीं बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में फिर से दिखा टीम इंडिया का कमाल। युवा लड़ाकों का अब दिखेगा फाइनल में धमाल। सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने प्रोटियास को दी मात। फाइनल में फिर से सजेगा वर्ल्ड कप का ताज। रोमांच से भरपूर था सेमीफाइनल मुकाबला। सचिन और उदय ने पार लगाई भारत की नैया। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया फिर से इतिहास रचने के करीब है। इस बार सेमीफाइनल में बारी थी प्रोटियास की। टीम इंडिया ने एक रोमांचक मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से मात दे दी और एक बार फिर से फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। आपको बता दें कि भारत के अंडर 19 टीम के सामने जीत के लिए 245 रनों का टारगेट था, जिसे भारत ने 49 ओवर में 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस रोमांचक सेमीफाइनल में टीम इंडिया की तरफ से उदय सहरान ने कप्तानी पारी खेली। वहीं सचिन दास ने भी कमाल की बैटिंग की और आखिरकार टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचा ही दिया। टीम इंडिया की तरफ से सचिन दास ने सबसे ज्यादा 96 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और एक छक्का निकला। वहीं कप्तान उदय सहारन ने 6 चौके की मदद से 81 रनों की पारी खेली। उदय और सचिन के बीच 171 रनों की पार्टनरशिप हुई। साउथ अफ्रीका के 244 रनों के जवाब में बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। ओपनर आदर्श सिंह बिना खाता खोले चलते बने। वहीं अर्शिन कुलकर्णी ने 30 गेंदों पर 12 रन बनाए। इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में चल रहे मुशीर खान का भी बल्ला खामोश रहा। वो महज 4 रन बना पाए, जबकि प्रियांशु मोलिया 5 रन बनाकर पवेलियन का रुख कर गए। टीम इंडिया 32 रनों पर 4 विकेट खोकर स्ट्रगल कर रही थी और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि इस बार टीम इंडिया फाइनल तक अपना सफर तय ही नहीं कर पाएगी। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम के कप्तान उदय और सचिन ने टीम इंडिया को जीत तक पहुँचा दिया। साउथ अफ्रीका के लिए ट्रिस्टन लुस सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। ट्रिस्टन लुस और मीना फाका को 3-3 कामयाबी मिली, लेकिन इसके अलावा बाकी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज विकेट के लिए जूझते रहे। लिहाजा भारतीय टीम ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए टारगेट हासिल कर लिया। इससे पहले भारतीय टीम के कप्तान उदय सहारन ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया था। पहले बैटिंग करने उतरी साउथ अफ्रीका ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 244 रनों का स्कोर बनाया। साउथ अफ्रीका के लिए ओपनर प्रिटोरियस ने सबसे ज्यादा 102 गेंदों पर 76 रन बनाए। इसके अलावा रिचर्ड सेलेसेवन ने 100 गेंदों पर 64 रनों का योगदान दिया। भारत के लिए राज लिंबानी सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। राज लिंबानी ने 9 ओवर में 60 रन देकर 3 बल्लेबाजों का आउट किया। वहीं बॉलिंग में मुशीर खान को 2 कामयाबी मिली और इस तरह सांसें रोक देने वाले मुकाबले में टीम इंडिया ने प्रोटियास को मात देकर फाइनल में अपनी टिकट पक्की कर ली है। अब अगला सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तानी टीम है, जिसका मुकाबला मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम से है। इस बार फैंस भी बड़ी बेसब्री से फाइनल में पाकिस्तान का इंतजार कर रहे होंगे, ताकि फाइनल मुकाबला महामुकाबले में तब्दील हो जाए। वहीं अगर पाकिस्तानी टीम की बात करें तो उसके बॉलर उबैद शाह घातक फॉर्म में चल रहे हैं, जो किसी भी बैटिंग लाइनअप को ढेर कर सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कंगारू टीम को बात देकर फैंस को भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला देखना नसीब होगा, या फिर टीम इंडिया के साथ फाइनल में कंगारुओं की भिड़ंत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।